एक बार फिर से मेरे पीछे हैं पूरे 100 लोग और उनकी उम्र शुरू होती है 1 साल से लेकर पूरे 100 साल तक और ये सब कम्पीट करेंगे पूरे $2.5 लाख के लिए। अब सभी लोग अपने क्यूब्स में जाएं और मेरे पिछले किसी भी वीडियो से हटके ये 100 लोग खुद ही फैसला करेंगे कि इन $2.5 लाख के लायक आखिर है कौन। अब सभी लोग अपने क्यूब्स में जाएं। ये चैलेंज ऑफिशियली शुरू होता है। अगर कोई भी बाहर आने की सोचता है या रेड लाइन को छूता भी है तो वो हो जाएंगे एलिमिनेट। क्या लगता है चैलेंज में कहाँ तक जाएंगे? आखिर तक जाने का सोच रखा है। देखते हैं 1 साल वाले का क्या हाल है। क्या तुम वो पैसे जीतोगे? ठीक है, टैबलेट के साथ मजे करो। यही वो लाइन है जहाँ के लोग आखिरी तक जाएंगे। 48 बढ़िया लग रहा है। ये शुरू से ही साफ था कि मिडिल एज लोग सबसे ज्यादा फोकस्ड और डिटरमिंड थे, पर वैसा सभी के साथ नहीं था। बाहर आओगे तो तुम हार जाओगे। ठीक है, ये 2 साल का बच्चा एलिमिनेट हो गया। जैसा हमने सोचा था, बच्चे सबसे पहले बाहर हो गए। क्या तुम्हें अंदर मजा आया? जब बोलना सीखेगा तब पूछेंगे। और उसके बाद कुछ बुजुर्ग लोग। हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और ये वीडियो शूट करने के पहले घंटे में ही 6 लोग एलिमिनेट हो भी गए और कुछ और लोग भी होने वाले हैं। ये इस वीडियो से कुछ अलग है जो कि लास्ट टू लीव था, पर ये वाला चैलेंज दोस्ती करना और लोगों से खुद को पसंद करवाने के बारे में है। वो तय करेंगे कि $2.5 लाख कौन जीतेगा। और मुझे अब तक पता नहीं था, पर ये वीडियो हमने शूट किए सभी वीडियोस में से सबसे इंटेंस है। क्या कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा है। सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे बाहर मत करो प्लीज। सब लोग ध्यान से सुनिए, पिछले 1 घंटे में उम्मीद करता हूँ आप सबने दोस्त बना लिए होंगे, क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। बोर्ड पर टाइमर लगा दिया जाए और अगले 10 मिनट में आप में से 10 लोगों को निकलना होगा। मैं नहीं कर पाऊंगी। और आखिर में एक ग्रुप के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप 10 लोगों को क्यूब से बाहर निकलने के लिए मना पाए, और अगर आप ये काम पूरा नहीं कर पाए तो हम रैंडमली 25 लोगों को निकाल देंगे। गुड लक। ओह माय गॉड, मैं उन 25 लोगों में नहीं आना चाहती। किसी को तो बाहर जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। आपकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है तो आपको जाना चाहिए। अगर आप 12 के ऊपर नहीं है तो आपको जरूर जाना चाहिए। 1 मिनट हो भी चुका है और कोई नहीं निकला। अगर 7 लोग मेरे साथ आएंगे तो मैं निकल जाऊंगा। मैं इतनी जल्दी बाहर नहीं जाने वाली। प्लीज गाइस, बच्चों तुम बाहर जा सकते हो। तुम टीम के लिए कुर्बानी दोगे? नहीं दे सकता, मैं यहाँ आखिर तक रहने वाला हूँ। घर जाओ। नहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम बाहर जाओगे तो मैं तुम्हें रोब्लॉक्स दूंगा, मेरा वादा है। एक बार आया, एक बार आया। और भले ही 89 ने टीम के लिए कुर्बानी दे दी थी, हमें और 8 लोगों की जरूरत थी। क्या कोई और बाहर आएगा? बुरा मत मानना, पर बुजुर्ग लोगों को बाहर निकालना चाहिए। उनके पास रिटायरमेंट का पैसा होगा। मैं कॉलेज में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। बदकिस्मती से आप सब फैसला नहीं ले पाए, जिसका मतलब है सभी लोग में से रैंडमली 25 कंटेस्टेंट्स अब एलिमिनेट किए जाएंगे। और ये रैंडमली करने के लिए हम इस मशीन से बॉल्स को पिक करके एक एक करके कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट करने वाले हैं। चैंडलर, एक पिंग पोंग बॉल उठाओ। हमारा पहला एलिमिनेशन है नंबर 18। ये बहुत बुरा हुआ। प्लीज ऐसा मत करो। अब अगला एलिमिनेशन है 85। याद रखना, ऐसा आपने ही किया है। 82। नंबर 80। मुझे अफसोस है। ठीक है। 99। कोई बात नहीं, अब हमारे पास सिर्फ 19 और बॉल्स बचे हैं। 12, 24, 22, 19। ओह, ये बहुत बुरा है। 29। माफ करना दोस्त। और हमारा आखिरी एलिमिनेशन नंबर 13। चैंडलर, देखो तुमने कितने लोगों को बाहर निकाला। माफ करना। अभी 25 लोग बाहर हो गए। खुश हूँ कि मैं उनमें से नहीं थी। अभी भी यही हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है खुश हूँ या नहीं। जब भी नंबर निकल रहा था ऐसा लग रहा था मैं हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ। 67 लोग बचे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमेशा की तरह जब भी कोई एलिमिनेट होता है हम उसके क्यूब को डिस्ट्रॉय करते हैं। और पिछले चैलेंज के भारी हमले के बाद मैंने सोचा इन्हें थोड़ा आराम करने दिया जाए, तो मैंने इन्हें क्यूब्स में वैसे ही बैठने दिया, जो कि अपने आप में ही एक अलग चैलेंज बन गया था। अगर आप ऐसे रात बिताना नहीं चाहते तो बस क्यूब से बाहर कदम रखिएगा। और मैं वैसा ही करूंगा। क्योंकि जब तक दूसरा दिन शुरू हो गया था बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो गए थे और तब तक वहाँ सिर्फ 55 कंटेस्टेंट्स ही बचे थे। नया दिन शुरू होने वाला है, अब देखते हैं आपका एक फैसला होता है या नहीं कि किसे जीतने चाहिए ये $2.5 लाख। अगर आप सभी किसी एक इंसान को चुनते हैं तो वो इंस्टेंटली जीत जाएंगे $2.5 लाख। पर अगर किसी एक ने भी किसी अलग इंसान को चुना तो हम एक चैलेंज करके आप में से कई लोगों को एलिमिनेट कर देंगे। $2.5 लाख किसे जीतने चाहिए? 14। क्या लगता है $2.5 लाख किसे जीतने चाहिए? 11। ठीक है, वेल
सब बिगाड़ दिया। वो पैसे किसे जीतने चाहिए वो फैसला आप सब नहीं कर पाए, तो हमें एक चैलेंज करना होगा। अब हर एक रो से एक कैप्टन चुना जाएगा और वो कैप्टन अगले चैलेंज में उस पूरी रो के सभी कंटेस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। प्लीज जिस पर भरोसा हो उसे ही चुनना। आप सब समझ जाओगे पर ये बहुत ही मुश्किल होगा। अगले 15 मिनट तक हर एक रो ने अपने कैप्टन को चुनने की कोशिश की। क्या तुम कैप्टन बनोगे? अगर तुम नहीं चाहते तो। सिर्फ तब ही अगर तुम हमारी कुर्बानी ना दो। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। तुम्हारी रो को किस एज ने रिप्रेजेंट करना चाहिए? 30 हमें मिल गया। है तुम में से कोई आगे आएगा? चलो मैं ही आता हूँ। 64 मुझे 64 चलेगा। क्या चाहते हो, आपकी रो का कैप्टन कौन बने? मैं यहाँ पर लड़ने आया हूँ और इसे मैं ही जीतूंगा। ठीक है, आपके कैप्टन चुने गए हैं। यहाँ से ये दिलचस्प होने वाला है और थोड़ा मुश्किल भी। हम पैसे ऑफर करेंगे और अगर आप में से किसी भी कैप्टन ने वो पैसे ले लिए तो आप और आपकी पूरी रो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी। मेरा पहला ऑफर है $1,000। जाना मत 42। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। $1,000 के लिए मेरी रो को बाहर नहीं करूँगा। मैं नहीं जाऊँगा। तुम सेफ हो, मैं वो नहीं लूंगा। ऑफर नंबर 2, $5,000। वैसा मत करना। अगर आप बाहर आकर अपनी रो को एलिमिनेट कर दो तो आपको ये $5,000 दूंगा। नो 42, हमें एलिमिनेट मत करो 42। मैं कुछ देर यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। ऐसा मत करना 30। उम्मीद है मेरा फैसला मेरी बीवी को पसंद आएगा। हमारा अगला ऑफर है $10,000। मत करना। मैं 10,000 के लिए इन्हें दुखी नहीं कर सकता। मुझे ये 10,000 से ज्यादा पसंद है। 20,000, किसी के बाहर आने तक ऐसा ही चलेगा। वो काफी नहीं है, काफी नहीं है। अब यहाँ है पूरे $50,000। इस पड़ाव तक सभी कैप्टन्स डटे हुए थे, पर जाहिर था जब बात पूरे $50,000 की आई, कुछ कैप्टन्स दूसरों से थोड़ा सोच में पड़ गए थे। वैसा मत करो 42। ठीक है, सब ध्यान दो, चलो अब असली मजे करते हैं। अब अगला ऑफर है, अब ये हुए 80, ये हुए 90, अभी हुआ नहीं है उसे ऊपर रख दो। नया ऑफर है पूरे $1,00,000 उस पहले कैप्टन के लिए जो पहले बाहर आएगा। 14, 30, 42, 64 या मिस्टर 100, कोई भी एक बाहर आ जाओ ताकि मैं आपको अमीर बना सकूं। नहीं 30। अभी मुझ पर प्रेशर आ रहा है। नहीं 42। Dude, सब लोग मुझसे बहुत नफरत करेंगे। ओ, लगता है 30 बाहर आने वाला है। हिलना मत। बिल्कुल नहीं। पता नहीं अब क्या होने वाला है और क्या होगा। वो बाहर आ रहा है। मैं जा रहा हूँ। I'm sorry। क्या तुम सच में जा रहे हो 30? ये क्या किया? विश्वास नहीं होता। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये क्या किया? 30 बाहर आ गया है। अब सारे 20s और सारे 30s एलिमिनेट हो गए हैं। आपको एक बेहतर कैप्टन चुनना चाहिए था। ओ नहीं, देख नहीं पाऊंगा, मैं बेटे के बारे में सोच रहा था। तुमने झूठ बोला 30। ये यहाँ जो लाइन है यही वो लाइन है जो आखिरी तक टिकने वाली है। 20s के सारे लोग आप जा सकते हैं, 30s के सारे लोग एलिमिनेट हो गए हैं। आई एम सॉरी। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यही कि हमें धोखा मिला। मैं सोच रहा था कि ये पैसे मेरे बेटे की जिंदगी सच में बदल सकते हैं, सच में बदल सकते हैं। क्योंकि अब तक इस वीडियो में कई लोगों ने एक दूसरे को धोखा दिया है, उस वजह से 40s ने अपनी एक अलायंस बना ली है ताकि उनमें से कोई भी बाहर ना निकल पाए। 40 की अलायंस एक साथ है, हम 4 लोग हैं। फिर से वो वक्त आ गया, अपना अपना वोट दें और देखें कि आप एक विनर चुन पाते हैं या नहीं। और इस बार भी वो नहीं चुन पाए, तो फिर से एक चैलेंज करके कुछ लोगों को एलिमिनेट करते हैं। अभी वापस आया। हमारे अगले चैलेंज में है एक स्पिनिंग व्हील जिस पर सभी बचे कंटेस्टेंट्स की उम्र लिखी हुई है, तो शुरू करो चैंडलर, इसे स्पिन करो। इस वक्त पूरे 36 लोग बचे हैं और इस चैलेंज में आप में से 16 लोग बाहर होने तक हम इसे घुमाते रहेंगे, जिसके बाद बचेंगे सिर्फ हमारे फाइनल 20। ठीक है, 67 मैं आपके पास आ रहा हूँ और जब तक मैं उनके क्यूब की ओर जा रहा हूँ, चैंडलर फिर से घुमाओ। वो व्हील अभी एक और उम्र पर जाकर रुकेगी और जब ऐसा होगा तब आपको तय करना होगा कि उन्हें एलिमिनेट करना है या फिर नहीं। 55। ये चैलेंज आसान है। 67 आप तय करेंगे कि 55 बाहर जाएंगे या चैलेंज में ही रहेंगे। तय करने से पहले 55 को बात करने का मौका देना ही चाहिए, है ना? सबका शुक्रिया, अब तक बहुत मजा आया। गुड लक गाइस। आप उन्हें एलिमिनेट ना करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करोगे? नहीं, अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं भी वैसा ही करता। वो उन्हें निकालने की इजाजत दे रहे हैं। उनकी मर्जी। वाह, ठीक है, किसी को तो जाना ही होगा। तो क्या आप उन्हें एलिमिनेट करोगे? हाँ। ठीक है, मतलब आपने तय कर लिया है। ठीक है, मुझे अफसोस है। थैंक यू गाइस।
चैंडलर व्हील को घुमाओ। मतलब कि वो खुद ही यहाँ से जाना चाहते थे। पहला वाला तो बहुत आसान था, शायद सारे ऐसे ही चले जाए। ओ 47, हम इन्हें आपसे बात करने का मौका देंगे इससे पहले कि आप फैसला लें। जरा शांति से सोचो, मैं यहाँ रुकना चाहूंगी, मैं नहीं जाना चाहती। आपका फैसला क्या है? वो यहाँ रुकेगी। आप बच गईं। और क्योंकि वो एलिमिनेट नहीं हुई हैं, तो अब वही तय करेंगी कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। देखा जाए तो आप अगले 15 लोगों को बाहर करके खुद सेफ रह सकती हैं। एलिमिनेशन का कोई रिस्क नहीं होगा, पर बुरा होगा। हाँ, सही कहा। 43। मैं हमारी टीम में रहना चाहूंगी, पर आखिर फैसला तुम्हारा है, हम एक साथ रहेंगे। 43 रहेगी। क्या बात है। 40 अलायंस एक दूसरे का साथ दे रही थी। इसका मतलब जानती हो ना, अब तुम इंचार्ज हो। आप सच में बहुत लकी हैं। चैंडलर व्हील को घुमाओ। 66। ठीक है, वो रही वहां। 43, जानती हूँ ये हार्ड डिसीजन है, लेकिन मैं रहना चाहूंगी। शायद मैं रो पड़ूंगा। अगर उसे नहीं निकाला तो वो फैसला करेगी। आप पर है। 66, आप बहुत प्यारी हो, आपको जानकर बहुत खुशी हुई, पर बदकिस्मती से इस गेम में हमें एक साथ रहना ही होगा। और आप बहुत अच्छी हो, पर माफ कीजिए, आपको जाना होगा। शुक्रिया, शुक्रिया सभी का, कोई बात नहीं, चलो। आने के लिए शुक्रिया 66। क्या कहें, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। 42 का नंबर 43 पर ये दबाव। हमें कंट्रोल में रहना होगा, नहीं तो हम बाहर जाएंगे, ये एक जंग है। हाँ, पता है। 40s के बाहर के लोगों के लिए खतरा था। 57, तुम 57 को जानती भी नहीं हो। 57, तुम बाहर होते हो। 40s, 50 पर थोड़ा ध्यान दो, वो पलट कर वार जरूर करेंगे। 65। ये मैं ही हूँ। ये गेम के लिए है, I'm so sorry, तुम भी बाहर जाने वाली हो। उसने अभी 65 को बाहर कर दिया, और मैं जानता हूँ कि उसका दिल टूट रहा है, पर हम कंट्रोल छोड़ नहीं सकते। 43 को पता है कि अगर वो लोगों को एलिमिनेट नहीं करेगी और कंट्रोल छोड़ देगी, तो हो सकता है कि अगला खिलाड़ी उन्हें एलिमिनेट कर दे। ये तो बहुत बुरा हुआ। जियो के लिए ये बहुत जरूरी है, इस फैसले को लाइटली मत लेना। क्या वो 11 है? जियो, अभी मत रो, अभी खत्म नहीं हुआ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगले कुछ सेकंड्स बहुत कुछ तय करने वाले हैं। मैं तुम्हें अब ये माइक दूंगा, अब तुम्हें ही उन्हें एलिमिनेट ना करने के लिए मनाना होगा, समझ गए? आप एक अच्छी इंसान हो, मुझ पर दया करो, मुझे एलिमिनेट मत करो। जियो को बचाओ, जियो को बचाओ, जियो को बचाओ, जियो को बचाओ, जियो को बचाओ। ओह माय गॉड, जियो को बचाओ। उनकी मत सुनो, अभी दिलदारी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है जियो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम सच में अब तक की सबसे होशियार बच्ची हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है और तुम बहुत बहादुर हो, पर बदकिस्मती से तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, मुझे माफ कर देना। किसी के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। सब लोग तालियां बजाइए। मुझे इस एलिमिनेशन का इतना बुरा लगा कि मैंने 11 को मदद करने के लिए स्टेज पर बुला लिया। जियो के लिए ताली बजाओ। इस पॉइंट पर 40s के बाहर जो भी था वो जान गए कि वो खतरे में है। वो सबको एलिमिनेट करने वाली है। अगर हम 40s में नहीं है तो हम गए। एक बार फिर से, मुझे नहीं लगता कि हम सब यहाँ सेफ है। 17, बदकिस्मती से तुम बाहर जाओगी। थैंक्स, बहुत बढ़िया। वो 16 साल का लड़का। मेरी दादी बहुत बूढ़ी हैं और उनकी तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती। मुझे माफ करना, पर तुम्हें भी बाहर जाना होगा। 16। वाव, मुझे तुम पर गर्व है, तुम पर बहुत गर्व है। मानो या ना मानो, पर किसी वजह से ये व्हील 40s पर रुक ही नहीं रहा था। 52, तुम्हें बाहर जाना होगा। ओह माय गॉड। उसके बाद ये हुआ, और अब इस चैलेंज का सबसे मुश्किल फैसला, क्या तुम खुद को बाहर करोगी? उसे और एक बार घुमाओ। ठीक है, एक बार फिर से घुमाओ। आप भी बाहर जाओगे। बदकिस्मती से तुम भी बाहर जाओगे। ठीक है, 75। ये गलत है। 62। मिलते हैं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, बाय। 62, आप इन्हें मनाने की कोशिश नहीं करेंगी? नहीं, बाय। हे 62, बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे खराटों की याद आएगी। क्या कहा तुमने विलेन? तुम्हारे खराटों की याद आएगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ 43, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, पर तुम बस जालिम हो। अभी से याद आ रही है सबको, बाय बाय। 43 ने फैसला करने से पहले ही
62 बाहर निकल गई। अब सिर्फ एक एलिमिनेशन बचा है, देखते हैं उनका अगला शिकार कौन होने वाला है। ठीक है, वो फेस्टिवल्स पर आके रुका है, यानी आप सबको मिलेगा दुनिया का बेस्ट चॉकलेट मिल्क क्रंच। ये मेरा फेवरेट है। ओह क्रंच, थैंक यू जिमी। कोई बात नहीं, भले ही वो यहाँ नहीं है, हम उसे इज्जत देंगे। वॉलमार्ट में जाकर हमारा नया फॉर्मूला जरूर ट्राई करें। जो भी हो, जब ये व्हील फाइनली 40s अलायंस की एक मेंबर पर आया। 41 मुझे तुम बहुत पसंद हो और इसीलिए मैं तुम्हें ये मौका दूंगी। फाइनली एक नया खिलाड़ी आएगा, देखते हैं अब ये किस पर रुकता है। ये हमारा आखिरी स्पिन भी हो सकता है। ठीक है मिस्टर 100, जो आपको एलिमिनेट करने वाली है, आप उससे कुछ कहना चाहोगे? उम्मीद है तुम मुझे एलिमिनेट नहीं करोगे और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे बाहर मत करो। मिस्टर 100, आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस यू, उम्मीद है कि आपके साथ सब ठीक होगा, लेकिन अलविदा। ओ नहीं, मैं तुम्हारा फैसला समझता हूँ और हाँ, तुमने जो किया उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। चलो इनके लिए तालियां हो जाए, मिस्टर 100 के लिए। सबका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। हमारे सबसे बुजुर्ग कंटेस्टेंट बाहर जा रहे थे और क्योंकि वो हम सबके फेवरेट थे तो मैं उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता था। मैं आपको यहाँ पर आने के लिए $20,000 दे रहा हूँ। शुक्रिया, तुम्हारे साथ रहकर मजा आया। ये बहुत भयानक था, हमने बहुत से लोगों को बाहर जाते हुए देखा। पता है इस वक्त सभी लोग बहुत दुखी होंगे, खास तौर पर 43। बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा। उनका नंबर बताने की जरूरत नहीं। सही कहा। चैलेंज के बाद कैसा लग रहा है? मेरा 40 से विश्वास उड़ गया है। मैं सीधे ही कहूंगा कि उन्होंने मेरे क्रू को बर्बाद कर दिया। वो 50s वाले शायद आपको पसंद नहीं करते। हमने उनके आधे को बाहर कर दिया। अगर माइक उनके पास होता तो वो हम में से आधे को बाहर कर देते। मैं कहता हूं कि किसी पे भरोसा मत करो। और कंटेस्टेंट्स को कुछ घंटे आराम करने देने के बाद हमने और एक वोट रखा ताकि देख सके कि वो एक विनर चुन पाते हैं या नहीं। लगता है आप में से कोई भी एक फैसला नहीं ले पा रहा। ये वक्त है एक और चैलेंज का, जो कि मुश्किल होगा। बढ़िया, आप देख सकते हैं यहाँ पर रखे हैं पूरे $2,50,000। वो दूसरे $2,50,000 देखकर कंफ्यूज मत हो जाना और आप में से कोई एक इस वाले को लेकर बाहर जा सकता है। क्या? अरे बाप रे। पर कैसे, ये बताने से पहले आपके रूम्स ब्लैकआउट करने पड़ेंगे। पर्दों को ले आओ। वो नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से बात करें, जो कि मुश्किल होगा क्योंकि हम सब एक स्ट्रॉन्ग टीम है। इससे सच में हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमने सभी 20 क्यूब्स ब्लैकआउट कर दिए हैं। अगर आप में से कोई एक अगर बाहर आकर खुद को एलिमिनेट करता है तो वो जीतेंगे ये पूरे $2,50,000। पर अगर ऐसा एक से ज्यादा लोग करते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे और कुछ नहीं जीतेंगे। टाइमर शुरू हो गया है, चलो देखते हैं कोई ये $2,50,000 जीतता है या नहीं। मैंने आज $1,00,000 जीतने का मौका कमा दिया था, पर इस बार जिसके लिए आया हूँ वो जीत कर रहूंगा। आप सबको बता दूँ, मैं बाहर आने वाला हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई बाहर आएगा तो हम दोनों हार जाएंगे। शायद मुझे ये करना चाहिए। 64 तुम जा रही हो? हाँ। अगर तुम और 42 एक साथ जाओगे तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सही कहा। ये पानी की तरह साफ था कि 42 पूरी ताकत लगाकर कोशिश करने ही वाला है ताकि वो इस चैलेंज का प्राइज मनी खुद ही जीत सके। और जब तक वो बाहर आने के बारे में फैसला कर रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ टॉप ट्रूप्स के बारे में। टॉप ट्रूप्स एक फ्री टू प्ले मोबाइल गेम है जिसमें आप दुश्मनों से लड़ते हैं, जमीन जीतते हैं और नए कैरेक्टर्स अनलॉक करते हैं। तुम इस गेम में हो? मैं इस बारे में बताने ही वाला था। ओह आई एम सॉरी। टॉप ट्रूप्स के साथ मैं खुद की आर्मी को ट्रेन करके बड़ी बड़ी जंग लड़ सकता हूँ। ये देख रहे हो मैक, ये एक्चुअली मेरा खुद का टॉप ट्रूप्स कैरेक्टर है। ये तो बहुत हैंडसम है। पता है, तभी एक वीडियो गेम में हूँ। और अगले 14 दिन तक मेरे कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए उन्होंने मुझे अपना एक बैटल चैलेंज भी दिया। मेरा नया कैरेक्टर दुश्मनों का डैमेज कम कर सकता है और इसे मेरे चैलेंज में इस्तेमाल करते हो तो ये और पावरफुल बनता है। ये सच में कूल है। डिस्क्रिप्शन में जाकर टॉप ट्रूप्स को डाउनलोड करें या फिर ये मुझे देना, नोलन के चेहरे पर का QR कोड स्कैन करो। लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिलेगी किंग्स चेस्ट और 15 shards ताकि आप एक्सक्लूसिव ट्रूप्स अनलॉक कर सकें। प्लीज इसे मेरे चेहरे से हटाओ। हां ठीक है, प्लीज। मैं आ रहा हूँ। 7 seconds बचे। अब भी सिर्फ एक ही बार आया। देखो तुम्हारे लेफ्ट में। वो लगभग उतने ही पैसे जीतने वाला है जितना हमारा ग्रैंड प्राइस। आप इसे कोई ये पैसे ले जा सकता है, वो भी अभी। और अगर आप बाहर आते हैं तो आपको चुप ही रहना होगा। इस साइड से कोई भी बाहर नहीं है, मतलब फिलहाल 42 $2,50,000 लेके घर जाने वाला है। 50s अंदर ही हो। सही समझे। कैसे तुम अंदर हो? कैसी अंदर ही है। ठीक है दोस्त। 3, 2, अभी बाहर आओ फिर मौका नहीं मिलेगा। 1, टाइम अप। देखते हैं कि आप में से कोई वो $2,50,000 जीत पाया है या नहीं। गार्ड्स, पर्दे गिरा दो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 42 बाहर आने वाला अकेला इंसान था। लेकिन फिर
2 सेकंड पहले एक और इंसान उस वाली रो से लास्ट सेकंड में बाहर आ गया। ओह माय गॉड, क्या? सॉरी 42। कहते हैं ना, सब कुछ या कुछ नहीं। 40s ने अपना लीडर खो दिया। तुम सब अब भी खेल रहे हो, बस ये याद रखना। ये बहुत मुश्किल है। आप दोनों ने पासे फेंके पर काम नहीं बना। मैंने चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया था और तुम जानते थे कि क्या होने वाला है, तो तुमने बेसिकली ऐसा कहा, पैसा मुझे पसंद नहीं है। ऐसा होता कोई है। बात नहीं, शायद आज के लिए इतना स्ट्रेस काफी है। आज रात और दोस्त बनाने की कोशिश करना। मेरा पड़ोसी चला गया। मैंने चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने की कोशिश की थी कि सब लोग ध्यान दो, यहाँ आज कोई एक ही जीतेगा, और लगा वैसा ही होगा, और आखिर में बाजी पलट गई। सॉरी, मेरी गलती नहीं है, मैंने टाइमर शुरू होने से पहले ही सोच लिया था। ऐसा लग रहा था कि 50s वाले लोग कल हुए डैमेज को इतनी जल्दी भुलाने नहीं वाले थे। इतना कहना चाहूंगा, 40s 50s पर नजर रखना, वो पलटवार जरूर करेंगे। और इस वीडियो को मुमकिन करने के लिए टॉप ट्रूप्स का शुक्रिया। वीडियो खत्म होने के बाद इसे जरूर डाउनलोड करें। अब तक इस चैलेंज से कुल 82 लोग बाहर हो गए हैं, पर हम इतनी जल्दी रुकने वालों में से नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या आप एक फैसला कर पाओगे कि ये 2.5 लाख किसे जीतने चाहिए? हाँ शायद। टैबलेट पर अपने वोट दर्ज करें। जाहिर है सभी ने एक ही इंसान को वोट किया होगा। मुझे सच बताओ, अगला चैलेंज शुरू करना चाहिए? हाँ हाँ, लगाए। जितने लोग कम बच रहे हैं उतने ही वोट्स अलग हो रहे हैं। ठीक है, अगले चैलेंज का वक्त है, ब्रीफ केसेस को लेकर आओ। इस पॉइंट पर 40 के ऊपर के सभी लोग ये सोचने लगे कि अब अगला चैलेंज क्या होने वाला है। उन केसेस पर नंबर्स है, जैसे डील या नो डील। ओह माय गॉड, शायद ये डील नो डील वाला है। ऐसा लग रहा है ये है डील या नो डील। हमारा अगला चैलेंज डील या नो डील जैसा लग रहा है, जो कि एक बहुत ही मशहूर शो है, और इसीलिए हमने उस शो के एंकर को बुलाया है, हैवी मैंडल। चालीस के ऊपर के सभी लोगों को हावी बहुत पसंद है। थैंक यू, प्लीज। 14 साल के लड़के, तुमने ये नहीं देखा होगा। तुम मुझे जानते हो? गुरगुरगुरगो, शायद से मैं आपको जानता हूँ, आप म्यूजिक आर्टिस्ट है ना? और अगर तुम 40 साल से कम के हो और डील या नो डील नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको रूल समझा दूंगा। अगर आप वहाँ उन 18 ब्रीफ केसेस को देखेंगे, तो उनमें से आधे में लिखा है एलिमिनेटेड और आधे में सेफ। मैं चाहता हूँ आप एक नंबर चुने। 14। तो ठीक है, ब्रीफ केस को ऐसे खोलो जिससे कि मेरे साथ साथ कोई भी इसे ना देख सके। तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है? हाँ। अब यहाँ अगला सबसे छोटा कौन है? शायद वो मैं हूँ। ठीक है, मैं 41 के पास जाऊंगा। अब 41 के पास एक ऑप्शन है कि वो अभी 14 का ब्रीफ केस खुद के लिए चुरा सकती हैं, या फिर बची हुई ब्रीफ केसेस में से एक को चुन सकती हैं। देखते हैं वो एक दूसरे को कैसे पढ़ पाते हैं। हे, मुझे बताओ तुम्हारे केस के अंदर क्या है? इसमें है सेफ, वो मैं तुमसे चुरा लूंगी। 41, अब इस केस को खोलो। क्या बात है, इन्हें बहुत मजा आ रहा है। हाँ सही कहा, ये बिल्कुल पुराने हाँ। दिनों जैसा है। केस को खोलो। वाओ, उसने झूठ बोलकर वो सेफ केस अपने पास क्यों नहीं रखा? इसका मतलब सबके चांसेस कम हो गए हैं। अब एक नया केस चुनने का वक्त आ गया है, कौन सा नंबर चुनोगे? 13। लकी 13। हमारा अगला छोटा कंटेस्टेंट उम्र 43। 14, तुम्हारे सूटकेस में क्या है? इसमें है एलिमिनेटेड। मैं झूठ नहीं कहूंगा, इस पॉइंट पर मुझे भी नहीं पता था कि वो सच कह रहा है या नहीं। 14, क्या तुम वादा करते हो कि उसमें सेफ नहीं है? इसके अंदर सेफ नहीं है। वो, क्या ये एक स्ट्रेटजी है? शायद मैं खुद की सूटकेस खुद ही चुनूंगी। 14, अपना ब्रीफकेस खोलो। ठीक है। एलिमिनेटेड। मुझे अफसोस है नन्हे दोस्त। और हाँ, तुमने एक और को एलिमिनेट कर दिया। ये कभी नहीं रुकेगी। मिलते हैं दोस्त, तुम कमाल के हो। शुक्रिया। तो मैं सच बताना चाहता था और मैंने बताया और मैं एलिमिनेट हो गया। मुझे लगता है मैंने जो भी किया वो सही है। अब 16 ब्रीफ केसेस बची हैं। अपना नंबर चुनो। मैं चुनूंगी लकी नंबर 3। हमें इसके लिए माइक की भी जरूरत नहीं है, ये अगल बगल में है। हम अब भी एक साथ ही है, तुम्हें भरोसा है या नहीं? अगर तुम सेफ हो तो मैं तुम्हें वो केस रखने दूंगा। क्या तुम सेफ हो? मैं सेफ नहीं हूं। अब मुझे एक मुश्किल फैसला करना होगा। नो स्टेल। ठीक है, इसने 43 का ब्रीफ केस नहीं लेने का फैसला किया। इसे खोलकर देखो, अगर वो झूठ बोल रही है और उस केस में सेफ है, तो 40s इसके बाद एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और उनकी अलायंस टूट जाएगी।
एक स्ट्रॉन्ग अलायंस है, मुझे अफसोस है 43। बहुत शुक्रिया 43। ये दफनाए जाने से भी ज्यादा बुरा है। उससे कई ज्यादा बुरा है। अब 15 केसेस बची हैं और इनमें से सिर्फ 8 ही सेफ हैं। मैं तुम्हें सच ही बताऊंगा, ये है एलिमिनेटेड। मैं बस अपने नसीब पर भरोसा करूंगी। 44, ये एलिमिनेट हो गया। ये भयानक है। गुड लक दोस्त। कोई भी नंबर चुन सकती हो। 10। 10। ध्यान से कोई ना देख सके। मैं यहाँ पैसे के साथ नहीं आई थी, मैं यहाँ सच्चाई के साथ आई थी। ये सेफ है। क्या तुम सच बता रही हो? तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रही हो। वाओ, यस, ये सस्पेंस है। स्टील और नो स्टील। मैं वो स्टील करूंगी। वापस नहीं जा पाओगी। तुम्हारा फ्यूचर इस ब्रीफ केस के अंदर है। नहीं देख सकता। केस को खोलो। ये तो सच कह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं किस पॉइंट पर वो आगे जाने का फैसला लेती है। हाँ। क्या चाहती हो? वो क्या सोचे कि तुम्हारे केस में क्या है? Eliminated। मैं भरोसा करता हूँ और तुम्हें तुम्हारी केस रखने दूंगा। इस केस को खोलो। अरे नहीं, एलिमिनेट हो गया। उसकी ईमानदारी ने उसे एलिमिनेट तो कर दिया है, पर उसके अलायंस के 2 लोगों को बचा भी लिया है। तुम ईमानदार हो 48। मैंने हमेशा तुमसे सच कहा है 51, तुम वो जानते हो। तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, इसमें है एलिमिनेटेड। हाउवी, इस बार मैं पूछता हूँ, स्टील या नो स्टील? क्या बढ़िया कहा। जो भी हो, 2.5 लाख दाव पर है 51। मैं बिल्कुल भी स्टील नहीं करूंगा। देखते हैं 48 सच कह रहे थे या नहीं। 3, 2, 1। ये झूठ बोल रहा था। वेल प्लेड, बहुत ही अच्छे खेले। अब आप सीख गए होंगे कि झूठ इस तरह से बोला जाता है। टॉप 9 तक आ गए, देखते हैं 51 आते हैं या नहीं। 17, हावी। तो ठीक है, 17 आने जा रहा है। वो जो भी कहेगा मैं भरोसा करूंगी। इसमें एलिमिनेटेड। स्टील और नो स्टील? नो स्टील। नो स्टील, ठीक है, इन्हें दिखाते हैं। इसने सच कहा था। 51, अभी आप एलिमिनेट हो चुके हैं। थैंक यू। बहुत बुरा हुआ। भले ही 54 इस बार बच गई हैं, पर अब इन्हें इस केस का सामना करना होगा। हाय 54, मैं तैयार हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से बताऊंगी कि बॉक्स नंबर 7 के अंदर है एलिमिनेटेड। पता है तुम मुझे बाहर निकालना नहीं चाहती, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलेगी। ये मुश्किल फैसला है, स्टील और नो स्टील। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पर पूरी दुनिया का वजन रखा है। स्टील। तो ठीक है, भले ही उन्होंने कहा उसमें एलिमिनेट है, फिर भी स्टील करोगे? हाँ, मैंने वही कहा, हाँ स्टील। ये उनके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उस पर भरोसा है? हाँ है। मैं चाहता हूँ कि उसका अच्छा ही हो, मैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन से मिल पाऊंगा। ओह माय गॉड, वाओ, मैंने आज तक किसी को भी किसी और के लिए ऐसा करते नहीं देखा। लगता है जैसे मैं यहाँ से गिर जाऊंगा। इतना आसान फैसला मैंने आज तक कभी नहीं लिया। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो उस इंसान को वो दे दीजिए। और मैं जीता ही हूँ, मैं हावी मंडेल से जो मिला। जब उन्होंने एक और एलिमिनेशन केस का सामना किया, तो उन्होंने दूसरी बार भी ईमानदारी को ही चुना। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इसके अंदर है एलिमिनेटेड। नहीं, मैं उसे नहीं लूंगी। गेम का अंत होने ही वाला था और हमारी सेफ ब्रीफ केसेस खत्म हो रही थी। मुझे सेफ बॉक्स में से एक मिला। मैं स्टील करना चाहूंगी, मुझे भरोसा है। क्या? ओह नहीं। और एक बार आखिरी 2 ब्रीफ केसेस बची थी, हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं। ये नंबर 67 और 96 के बीच है। कोई एक सेफ है और कोई एक एलिमिनेटेड। क्या आप ब्रीफ केस चुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि 96 ब्रीफ केस चुने? चलो तुम ही चुन लो 96। आपका यहाँ होना कमाल की बात है। उम्मीद करता हूँ आपकी उम्र में मेरी भी इतनी ही एनर्जी रहे। मैं अगले साल पहाड़ी से स्की करने वाला हूँ। ठीक है, आपको कौन सी केस चाहिए? 16। 16 को चुना है। हम इस केस को खोलने वाले हैं ताकि कोई इसे ना देख सके। उस केस में क्या है 96? एलिमिनेट। मेरे डैड भी आप ही की उम्र के हैं और वो भी बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। आप स्टेज पर रखी आखिरी केस लेना चाहेंगे या 96 की चुराना चाहेंगे? नो स्टील। और क्योंकि ये हमारी फाइनल 2 ब्रीफ केसेस हैं, हम अब ज्यादा ड्रामा करेंगे और इन दोनों ब्रीफ केसेस को एक साथ खोलेंगे ताकि देख सके कौन जाएगा टॉप 9 में पूरे $2.5 लाख जीतने के लिए। अब मैं काउंट डाउन करूंगा। 3, 2, 1। आप रुकोगे? हम रुकेंगे। 96 ने झूठ बोला। मैं जिंदा हूँ और जवान भी। ये इस चैलेंज में बचे सबसे बुजुर्ग इंसान हैं।
और इसके साथ हम पहुंच चुके हैं टॉप 9 पर। हमारा अगला चैलेंज इससे भी कमाल का होगा। ये अंत है, हम फाइनल 9 पर आ गए हैं। मैंने इसे जीतने की ठान ली है। बहुत नर्वस हूँ। 40 अलायंस अभी भी यही है। इमोशंस बदल रहे हैं, शायद जल्द ही कुछ पागलपन होने वाला है। और जैसे ही हम इस वीडियो के फाइनल दिन पर पहुँचे, सबका भरोसा एक दूसरे पर से कम हो रहा था। मेरे गरीब खाने में स्वागत है। आपके चारों तरफ रेड एक्सेस का समंदर है, खून का समंदर। क्या आप उस साइड के लोगों पर भरोसा करते हैं? नहीं, नहीं करता। इस कमरे में बचे हुए हर एक इंसान में से किस पर भरोसा करते? 47, 100%। जब हम यहाँ आए थे तब हम सोच रहे थे कि देखते हैं कि हम कितनी दूर तक जा पाते हैं, और अगर आखिर में हम दोनों बचते हैं तब बहुत मजा आएगा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। क्योंकि आप तय नहीं कर पाए कि वहाँ पड़े पैसों को किसे जीतना चाहिए, इसीलिए आप किसी चार लोगों को चुनकर इस कंपटीशन से बाहर करेंगे। ये डिसाइड करना बहुत ही आसान है। आप में से हर कोई सबको बताएगा कि आप ये प्राइज मनी जीतने के लायक क्यों हैं, और एक ग्रुप के तौर पर आप सब मिलकर तय करोगे कि किसकी कहानी इस चैलेंज को जीतने के काबिल है और किसकी नहीं। वो हर एक फैसला जो आपने इस वीडियो के दौरान लिया था उसने आपको यहाँ तक लाया है। बताइए पैसा कहाँ खर्च करेंगे? मेरा एक बेटा भी है जिसकी जरूरतें औरों से ज्यादा खास है। हम हमारा सब कुछ फिलीपींस में छोड़कर आए हैं। मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और मुझे भयानक न्यूरोपैथी है। मेरी जो कजिन है उसे लूपस है, तो उसकी मदद करनी है, और उसके 3 बच्चे भी हैं। ये बहुत ही मुश्किल है। मेरी भी एक बेटी है जिसे बात करने में परेशानी है, जो इस महीने में 7 की हो जाएगी। उसे इलाज की जरूरत है और हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। मैं सबके लिए रो रही हूँ, दिल टूट रहा है मेरा। मैं मेरे सारे पैसे सभी को देना चाहती हूँ। हम सबकी ख्वाहिशें और उम्मीदों को दूसरों से ज्यादा जरूरी कैसे ठहरा सकते हैं? उन सब पैसों को 90 से 120 दिनों के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगी। ऐसा कहना गलत होगा, उसकी चैरिटी दूसरों की जरूरतों से ज्यादा जरूरी है, ये सही नहीं है। मैंने कोविड के वक्त पर पूरा बिजनेस गवा दिया। हमें सोच समझ के एक एक को चुनना होगा। ठीक है, जो जाहिर है उससे शुरू करते हैं। मैं अभी भी मेरी बेटी के यहाँ रहता हूँ, वो मुझे तब ले गई थी जब मैं बिल्कुल अकेला। वक्त के साथ ये और मुश्किल हो रहा है, हमें जल्दी से फैसला करना होगा, ये और आसान नहीं होगा। तो आपने एक दूसरे की स्टोरी सुन ली है, और अब फैसला लेना आप सबके हाथों में है कि कौन यहाँ रहेगा और कौन बाहर जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। चलो 61 से शुरू करें। जो लोग इस साइड में हैं उन्होंने 61 को चुन लिया है। आप सबकी स्टोरी सुनने के बाद ये देखने का वक्त आ गया है कि आप सब मिलकर क्या सोचते हैं कि किसे घर जाना चाहिए। रिजल्ट सामने लाया जाए। वाओ, वो कौन था? 61। वो मैं हूँ। वो एक मुसीबत ही है, अच्छा ही हुआ। बाय बाय, गुड बाय। अभी और 3 खिलाड़ियों को चुनना होगा और वो फैसला आपका ही होगा। क्या बताऊं मैं क्या करने वाला हूँ? अगर चाहे तो 46 को निकाल सकते हैं, अभी करें। 46 वो थोड़ा सा झूठा लग रहा है। वोट्स आ गए हैं, ठीक है। 900 बहुत ज्यादा, अलायंस को धोखा दे रहा हूँ। रिजल्ट्स देखते हैं। सारे वोट्स 40 की लाइन को मिले हैं। मुझे लगा आपकी एक अलायंस है। ठीक है, 46 आपको एलिमिनेट कर दिया गया है। अभी जो हुआ उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पूरी की पूरी 40 वाली अलायंस टूट कर नीचे बिखर गई है। अब आगे कौन? 96। मैं ये और नहीं कर सकती। देखते हैं आपने क्या डिसाइड किया है। वो 96। गुड लक, और सबका बहुत शुक्रिया, मुझे शो पर आकर बहुत खुशी हुई। आखिरी वोट आने वाला है। 72। चलो करते हैं। हम इस चैलेंज के आखिरी एलिमिनेशन के लिए तैयार हैं, और इस बार आपको मुझे बताना होगा कि आपने किसे वोट किया है। आपने किसे वोट किया? मैंने वोट किया 72 को। 72 के लिए एक वोट। वो बहुत प्यारी है। 72, आपने किसे वोट किया? 41 को मिला एक वोट। आपने किसे वोट मैंने किया? 72 को वोट किया, तो हिसाब बराबर 72। आपने किसे और क्यों वोट किया? मैंने 41 को वोट किया जिसे सिर्फ अपने सपने पूरे करने हैं। मैं मेरी बहनों को घर लेने में मदद करना चाहती हूँ, ना कि जरूरतें। टाई हो गया है। आपने किसे वोट किया? 72। 72 को मिले हैं 3 वोट्स और 41 को 2 वोट्स। अब आखिरी फैसला आपका है, आपने किसे वोट किया? 72। अभी करते हैं।
मैंने 72 को वोट किया है। इसका मतलब 72 को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। I'm sorry, आप एलिमिनेट हो चुकी हैं। सिर्फ एक इंसान को ही वो पैसे मिलेंगे। बदकिस्मती से हम जानते थे कि एक पॉइंट पर हमें ऐसा करना ही होगा। अब गेम खेलने का वक्त है। ध्यान से सुनिए फाइनल कंटेस्टेंट्स, बार बार लगातार आप सब किसी एक विनर को चुनने में नाकाम रहे और अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा कि आप इतने दूर दूर हैं, स्पेशली 56 जो वहां पर है, सही नहीं लग रहा। तो बॉयज, शायद इस वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने लाने का वक्त आ गया है। ये वीडियो शुरू हुआ तब से पहली बार अब आप सब बाहर आ सकते हैं, कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। आप सब इस विशाल से क्यूब में चले जाइए हमारे फाइनल चैलेंज के लिए। मैं अभी क्यूब में ही था ना। जैसा कि मैं इस पूरी वीडियो में कहता आया हूँ, कौन ये पैसे जीतेगा इसका फैसला आखिर में आपको ही करना होगा। तो हम स्क्रीन पर एक घंटे का टाइमर लगाएंगे और जब ये जीरो होगा तब जो भी इस क्यूब में आखिरी बचेगा वो जीतेगा $2.5 लाख। और अगर किसी वजह से यहाँ एक से ज्यादा लोग हुए, बॉयज बाहर आ जाओ। आप देख सकते हैं कि मैक और टरीक के पास फ्लेम थ्रोअर्स हैं और ये मेरे हुक्म पर इन सारे पैसों को राख करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। टाइम शुरू होता है, बेस्ट ऑफ लक। अब में से सिर्फ कोई एक ही उन पैसों को जीत सकता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ का एक भी इंसान दूसरे से ज्यादा खास है। आमीन। वो सब एक से सौ तक को जाता है। हम सभी उन पैसों के लायक हैं। वैसा कुछ नहीं है, ये जीतने के बारे में है। सोचो, अगर हम सब मिलकर किसी एक को नहीं चुन पाए तो हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। तुमने कुछ सोचा है क्या करना है? काश वो ही हमें बता देते। क्या कोई खुद जाने के लिए तैयार है? ये एक सही सवाल है। मुझे बस लगा एक बार पूछ लेना चाहिए, क्यों नहीं, हमने उस बारे में बात ही नहीं की। तो हम में से कोई नहीं जाना चाहता। बात यह है कि मैं नहीं जानता कि आप सब कौन हो, मुझे पता नहीं है तुम्हारी स्टोरी। अगर इसने स्टोरी बता दी तो वो पूरे पैसे जल जाएंगे। पर मेरी स्टोरी हूँ मैं, मेरी स्टोरी मेरी जिंदगी। मुझे परेशानियां हैं, मुझे परेशानियां हैं। तो हम वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं बताएंगे या फिर इसे ऐसे ही चलने देंगे? नहीं बता सकते, बस 15 मिनट बचे हैं। हाँ, टाइम हम बस अभी टाइम पास कर रहे हैं। वक्त खत्म होने वाला है, किसी को तो बाहर आना होगा जल्दी। मैं सांस नहीं ले पा रही, शायद मुझे ही जाना चाहिए। नहीं, तुम हम सबके जैसे ही यहाँ रहने के लायक हो। अगर तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि वहाँ बैठकर कह सको मुझे रुकना है, तो पता नहीं तुम दूसरे को वोट कैसे करोगे। ये एक लड़ाई नहीं है, ठीक है, ये जिंदगी है। जिंदगी है। क्या मैं तुम्हें निकालना चाहती हूँ? नहीं, मैं वैसा नहीं चाहती। वो तुम नहीं हो जो हैंडल नहीं कर सकती और बाहर जाना चाहती हो। लेकिन मैं उसे जाने नहीं दूंगी, समझ गए? वो पांचों अभी भी क्यूब में है, उनका क्या हाल हो रहा होगा मैं समझ सकता हूँ। अगर हम रैंक चॉइस वोटिंग करें तो? जल्दी से पेपर पर लिख के दिखाओ कि रैंकिंग कैसे करेंगे। हम इसे ऐसे कर सकते हैं। 48 का आइडिया बहुत आसान है। हर कोई एक ऑर्डर में तय करेगा कि कौन वो पैसे डिजर्व करता है और जो भी उस लिस्ट में सबसे ज्यादा बार ऊपर आएगा वो उन पैसों को जीत जाएगा। तो एक वोट में काम हो जाएगा, यह है रैंक चॉइस वोटिंग। चलो ऐसा ही करते हैं। तुम इन्हें इकट्ठा करके गिनना चाहोगे? वही कर रहा हूं, अगर तुम दिखाना चाहते हो तो लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, हम तैयार हैं। आप सब ने फैसला कर लिया? हाँ। जब भी आप सब तैयार हो आप बाहर निकल सकते हैं। 56 पांच नंबर पे था, 41 और 64 तीन नंबर पे टाई हुई। चलो आओ चलते हैं, वैसे भी मुझे चलने के लिए सहारे की जरूरत है। और अब सिर्फ बचे हैं नंबर 47 और 48, जिनकी अलायंस इस पूरे वीडियो में सबसे तगड़ी रही है, वो भी पहले दिन से। पर आपको पता है इनमें से कोई एक ही ये पूरे के पूरे $2.5 लाख जीत सकता है। मैं दो नंबर पर था, 47 हमारी विनर है। कमाल हो गया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। Congratulations, 47. आपको दूसरों को बाहर करने में दुख हुआ, आपने एक मजबूत अलायंस बनाई और आखिरी वक्त आने तक आपने दूसरों के लिए लड़ाई भी की। मैं इसे जाने नहीं दूंगी। और इसी वजह से उन 100 लोगों ने आखिरकार फैसला लिया है कि वो $2.5 लाख सिर्फ आपको ही मिलने चाहिए। और फिक्र मत कीजिए, वो चारों भी $10,000 घर ले जाने वाले हैं। ये सच में बहुत कमाल का था।
ये पागलपन है। 47, हमारे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। बाहर आ जाइए। मम्मी, तुमने कर दिखाया बेटी। अब मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी मॉम, तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। इस वीडियो को फिल्म करना मेरे फेवरेट वीडियोस में से एक था। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये लंबे वीडियो का फॉर्मेट पसंद आया या नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इस साल के अमेज़न प्राइम शो के लिए तैयारी कर सकें, पर उस बारे में आपको बाद में बताऊंगा।